नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा से आज अनोखी तस्वीर देखने को आई। जितने सुरक्षा कर्मी थे उन सभी ने मास्क लगाया था ताकि कोरोना वायरस से वो खुद को बचा सकें। वहीं दूसरी ओर जितने विधायक थे विपक्षी खेमे के, उन्होंने मास्क नहीं लगाया था और वह प्रदर्शन कर रहे थे लगातार अपनी मांगों को लेकर के। जरा देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है विधायकों का, उसके बाद आरजेडी के सभी विधायक क्या कुछ कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे तो उन्होंने लोगों का हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार किया है। तस्वीरें आप देखिए और देखिए किस तरीके से जो आरजेडी के विधायक हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के और किसानों को लेकर के। आज विपक्ष हंगामा कर रहा है कोरोना वायरस को लेकर, क्या मांगे हैं? देखिए स्वाभाविक रूप से कि लोगों को जो है अभी तक मास्क भी सरकार के माध्यम से नहीं मिला है और उसके बाद जो है वह कह रहे हैं कि पूरे बिहार को हम सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। जब विधानसभा में 241 विधायकों को आप सुरक्षित नहीं रखने के कारण आप विधानसभा बंद करना चाह रहे हैं तो बिहार के 13 करोड़ आबादी को आप कैसे सुरक्षित रखना चाहेंगे? ये छली सरकार है, ये ढोंगी सरकार है। सिर्फ मास्क नहीं मिला है अभी तक और जो है हम बाजार में भी गए खोजने के लिए, ब्लैकआउट है, मास्क नहीं मिल रहा है। देखिए हम लोग किसान के मुद्दा को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। किसान जो है ओलावृष्टि हुई है, ये आफते जो किसान के ऊपर जो पड़ी है, तमाम जितने फसलें इस राज्य की है वो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, किसान मर गया। ऐसे परिस्थिति में किसानों के लेकर के है कि आप 100% कोई सब्सिडी की बात नहीं कि हम 25% किसान को देंगे, 30% किसान के देंगे, 40% किसान को देंगे। हम चाहते हैं कि 100% किसान को मुआवजा मिले और मुआवजा दे करके किसानों की ताकत को आप पूरा करने का काम करें। और कोरोना के लिए है तो सरकार कहीं भी इसके लिए चिंतित नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं तो क्या करेगा, कोरोना से क्या बचाव करेगी सरकार। तो अपने आरजेडी के विधायकों को सुन लिया है किस तरीके से लगातार कोरोना वायरस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ये भी कह रहे हैं कि किसानों को भी मुआवजा देना होगा। इन सभी मांगों को लेकर विधानसभा के परिसर में आज हंगामा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज पहुंचे हैं, कार्य स्थगन की बातें हो रही है। अब हालांकि बजट तो पेश कर दिया गया है, लंबा सत्र था बजट का, लेकिन उसे अब स्थगित करने की बात हो रही है। अनिश्चित काल तक के लिए उसे स्थगित कर दिया जाएगा। फिलहाल मीटिंग चल रही है अंदर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार सभी उस मीटिंग में मौजूद हैं। खबर यह भी आ रही है अंदर से कि चिकित्सकों की एक टीम भी पहुंची है उस मीटिंग में। आप लाइव सिटीज देखते रहे हैं, हंगामा हो रहा है, क्या आज विधानसभा बंद हो जाएगा? आप लाइव सिटीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।